सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज असेंबली 176 भारत नगर वार्ड नंबर 92 में जो भाजपा के चुनिंदा कैंडिडेट एडवोकेट उज्जवल निगम जी की आज यहां पर महारैली निकली है और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं और इतने शोर से कितने मौज से यहाँ पर रैली बना रहे हैं और धूम धड़क्का है पूरे भाजपा का वार्ड नंबर 92 में। बूढ़े बच्चे सीनियर सिटीजन सारे लोग ही यहाँ पर रैली में शामिल हैं और किस तरह से यहाँ पर एक धूम बची है रैली में एडवोकेट उज्जवल निगम को लेकर और किस तरह से तादाद में यहाँ पर रैली में लोग हैं, तो आगे की सारी तमाम चीज़ें तमाम अपडेट आपको देंगे। यहाँ पर उज्जवल निगम जी गाड़ी में आए हैं रैली में और साथ में संतोष दादा दुआड़ी, साथ में कुणाल शर्मलकर, ये सारे तमाम लोग उज्जवल निगम जी के साथ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर किस तरह से एक महारैली का आयोजन किया है, किस तरह से कुणाल शर्मलकर भी यहाँ पर रैली में अपने लोगों के साथ बड़े जोश के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। कुणाल शर्मलकर जी भी यहाँ पर मौजूद है और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर आए हुए साथ में बड़ी। तो चलिए हमारे बीच यहाँ पर रैली में उपस्थित राकेश सतपाल भाई जो बड़े जोरों शोरों से इस रैली में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ी धूम मचा रहे थे, तो चलिए राकेश भाई से बात करते हैं कि आज की रैली को लेकर और जो हवा चल रही है बीजेपी की एडवोकेट उज्जवल निगम, चलिए इस विषय पर बात करते हैं। राकेश भाई से क्या कहना है, आइए। राकेश भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राकेश भाई क्या लगता है, क्या हवा चल रही है और किस तरह से आप जोरों शोरों में आपके कार्यकर्ताओं को लेकर रैली में उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो भाई लोग ये सब कहना चाहूँगा क्योंकि आज हमारी जो 92 वार्ड से रैली थी, हमारे शाखा प्रमुख है, सब पदाधिकारी है, राष्ट्रवादी के पदाधिकारी है, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का कोई क्रेज दिख रहा नहीं है और कांग्रेस का डब्बा गुल है। और आने वाले टाइम पे 20 तारीख को हम लोग बहुमत से अपना कमल को डिलाएंगे और आने वाले 4 तारीख को हमारा निकम उज्जवल जी साहब कैंडिडेट 1,75,000 से आगे जाने वाला है, ये आज मैं घोषित और डिक्लेयर कर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो हवा चल रही है मोदी जी की तरफ से, जो लहर चल रही है 400 पार की, अभी देखते हुए एक हवा के हिसाब से 50-50 नज़र आ रहा है हम लोगों को सूत्रों के हवाले से, तो इस पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस का कुछ भी कहना है क्या नहीं है, 50-50 का कोई चांस ही नहीं है। एक बार मोदी जी ने बोल दिए 400 आंकड़ा पार, तो 400 आंकड़ा पार ही है और बहुमत से जीतने वाले लोग उनको चाहने वाले है और घरों के बदले घर सबको मिलने वाला है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक किसी को घर मिला नहीं, जब कांग्रेस की सरकार खत्म होने का, जब बीजेपी की सरकार आई, 2000 का जीआर आया, तो सब पात्र हो, सबको घर के घर मिल गए। हमारे चैनल के माध्यम से आप 20 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, तो उसके लिए आप हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो हारते हुए कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहिए, कांग्रेस का कुछ काम धंधा है ही नहीं, वो खाली इतना एक कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, संविधान बचा रहा है, ये तो तुम कर रहे हो। हमारे तो बीजेपी वाले कह रहे भी नहीं है, हमारे एकनाथ सिंधे वाले तो कह रहे भी नहीं है, राष्ट्रवादी तो कह रहे नहीं है, ये खाली एक ड्रामा है कि लोगों को उलझाने का, वोट काटने का। लेकिन 20 तारीख को चाहे कोई भी समाज हो, 20 तारीख को बहुवोट मत से उज्जवल निकम जी को वोट डालेंगे, 4 तारीख को हम लोग उनको जिता के संसद में भेज देंगे। ओके, देखिए किस तरह से यहाँ पर राकेश भाई ने अपनी विचारधारा को बताते हुए भाजपा के लिए तारीफों के झंडे गाड़े और इनको पूरी उम्मीद है कि ये 4 जून को चुनाव जीतेंगे का, तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।